अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जी आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर मूंगरे। तो आलू मैंने धो लिए ये देखे अच्छी तरह, और अब ये जो मटर और मूंगरे ना इनको निकालती हूँ। मूंगरे जो है ना इनको वो बनाऊंगी और मटर जो है ना उसको निकालती हूँ। तो सबसे पहले ये सब्जी जो है ना ये तैयार करती हूँ। मटर पहले छीलती हूँ, फिर बाद में मूंगरे जो है ना वो करूंगी। और फातिमा आ जाओ मेरे साथ, मटर इधर आओ करवाओ। फातिमा को भी बुला लिया, आएगी मटर निकालेगी और खाएगी साथ। हाँ जो आप भी मेरे साथ करवाओ, मटर निकलवाओ ये छिल के। हाँ जी वो क्या ये लो, हम दोनों सब्जी बना लेंगी मैं और फातिमा। हाँ चलो ठीक है, बस बनाई जाओ, बात ना करो। ये मटर पहले छीलो। मटर तो हमारे हो गए हैं, तो ये जो मूंगरे हैं ना इनको मैंने अब छुरी के साथ कर लेना है। वैसे तो ऐसे बारीक बारीक हाथों से ही हो जाते हैं, जल्दी जल्दी ये बड़ा मुश्किल वाला काम है मूंगरों वाला, जो आज मैंने कर लिया है। ये देखें जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। मूंगरे हमारे सारे हो गए हैं, तो अब मैंने इनको पानी में डाल के ना बॉईल करना, ताकि जो इसकी कड़वाहट है ना वो खत्म हो जाए। ये देखें ये मैंने बॉईल करने है बेटा, क्या तंग करना। अच्छा चलो आप इसमें करती रहो, ये जो दो चार पड़े ना इनको करती रहो। ये लो ये सब्जी फातिमा भी बना रही है। नहीं वो इसको बॉयल होने के लिए रखना है। चले जी इसको मैं रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, और बाकी जो मसाले हैं वो मैं फिर काटती हूँ। मसाले वगैरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, और ये जो चीजें हैं इनको भी मैं धो के ले आऊंगी। और यहाँ पे हमारे जो मूंगरे हैं ना ये पकना शुरू हो गए हैं, इनको अच्छी तरह से पकाना है, ताकि जो सारी है ना इसकी कड़वाहट वो निकल जाए। आ गई है फातिमा हमारी, नाराज हो गई है। अच्छा अच्छा ले लो, क्या लेना है, क्या लेना ले लो, ले लो मेरे बेटा, क्या लेना ले ले, फटी लेनी है ये ले लो, मैं दूसरी ले लेती हूँ, आ जाओ ले लो। ये फट्टी फातिमा ने लेनी है बड़े वाली, और छोटी अब मैंने ले ली है। चलो मेरा बेटा बैठ के अब काम करेगा, और मम्मा जो है ना इधर हांडी अब बना ले जल्दी जल्दी। ये ले जी मिर्चों को ना हाथ लगा देना, बाकी सारे काम ठीक है। तो पकना शुरू हो गया पानी, मैंने कहा दे के देखती हूँ, तो वो ढक्कन के अंदर चले गया। ऑयल जो है ना ये डाल दू फातिमा की वजह से, फिर ऑयल अभी डाला ही नहीं था, फट्टी दे दी उसको, तो अब वो खेल रही है, खुश हो जाती है। आलू काट रही, इसने छुरी लगवा लेनी हाथ पे। ये मुन्नी सी डोई जो है ना आज मेरी बेटियों ने निकाली थी, सफाई की है उन्होंने, बड़े बर्तन निकाले जो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए, सारा किचन सेट किया है। हाँ जी काटो काटो काटो। प्याज तो हमारा ये देखे रंग बदल चुके हैं, हल्के हल्के गोल्डन से हो रहे हैं। तो अब मैं इसी में जो है ना टमाटर और सब्ज मिर्चें काट देती हूँ। इसने पता नहीं फातिमा ने अपने उंगली पे ना वो मरवानी है छुरी लगवा के, फिर इसने रोना है, तो फिर मैंने ऊपर से और मारना है इसको आज। छोड़ दो मिर्ची ना करना, ये बड़े यम्मी से बनते हैं आलू मटर और मूंगरे की जो सब्जी है ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो बहुत ज्यादा बनाती हूँ। लेकिन ये मूंगरे जो है ना इनको करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं जरा कुतरा जाती हूँ कि चले अब क्या करना है। चले ये तो हमारे हो गए हैं ये डाल दी चीजें, तो अब मैं मसाले जो है ना वो डालती हूँ इसमें। ठीक हो गया, आप अपना काम करो। यहाँ पे नमक डालूंगी हसबे जरूरत, थोड़ी सी ये हल्दी है, ये सुरख मिर्च है, और ये दड़ा मिर्च है,
और थोड़ा सा जो है ना ये सूखा धनिया, इसको मैं हाथ से मसल लूंगी। अब इसको मैंने शामिल कर दिया इसमें, तो अब मैं थोड़ा सा पानी लगा के ना ये जो भोनी जिसे कहते हैं वो लगाऊंगी, फिर बाद में सब्जी शामिल करूंगी इसमें। चलें जी, अब ये जो है ना हमारा मसाला तैयार हो रहा है, तो मैं ये मूंगरे है ना इनको पुन लेती हूँ पानी को। गरम बहुत है तो हाथ को पड़ गया भाप, तो अब मैं ये देखें ये आधे तो गल चुके हैं ऐसे ही गरम, वो बॉयल किए ना तो आधे गल चुके हैं। वैसे कुंडी के साथ, कुंडी डंडे के साथ भी इसको ना कर सकते हैं, वो मलीदा सा बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना ऐसे ही डाल देने, वो खुद ही गल जाने हैं, मलीदा बन जाना है इसका। मसाला तो हमारा भुन चुका है, तो अब मैं इसमें शामिल करती हूँ ये जो मूंगरे हैं, इनको डालूंगी मूंगरों को, तो अब मैं इनको ना हल्का सा पका लूंगी, फिर बाद में जो आलू मटर वगैरह ना वो डालूंगी इसमें। आग हल्की करके ना इसको दम लगा देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए, और यहाँ पे मैं जो धनिया है ना इसको बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये धनिया मैंने सारा ही ऊपर डालना है, इससे बहुत ज्यादा मजेदार सालन तैयार होगा। ओ ये क्या कर रही हो फातिमा आप? मम्मा बांट रही हूँ। इधर रख दो अब तो, वो देखो बाहर कौन है, पीछे तो इसमें ये इधर रख के मैं करूँ। मोबाइल देखो आप जाके जाओ। नहीं आज जो तुमने मुझे तंग किया ना ये खाना बनाते हुए, मैं तुझे बर्दाश्त करी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे बोलते हैं आप ही को? वो मुझे लग रहा बिल्ली आ रही, इसको दूध डालो, उसका बर्तन लेके आओ, वो आप ही से बोलो इसमें दूध डाल दे, जाओ प्याली लेके आओ, उसमें दूध डलवा के रख के आओ, उसको भूख लगी हुई बिल्ली को, जाओ नहीं आने वाली है ना, जाओ तुम उसका वो रख के आओ दूध। अब मैं इसमें आलू मटर जो है ना ये शामिल कर देती हूँ। आज फातिमा ने इतना तंग किया है ना कोई मैं आपको बता नहीं सकती, कभी इसने मटर निकालने, कभी इसने मूंगरे बनाने, कभी इसने आलू भी इसने काटे हैं आज तो, कभी इसने कोई काम, कभी को, इसको नींद नहीं आती सारा दिन, ये सोती नहीं है, सुबह इसने उठ जाए ना 5 बजे और रात तक हमारा जो है ना जीना जो है ना हराम कर देना। पता नहीं क्या इसको समझ आ रही, तो अब मेरे से लड़ाई कर रही है। आज कह रही मुझे इसमें आटा डाल के दो, मैं इसको गोल गोल बनाऊ आटे को। आटा बदतमीजी हो रही है, देख लो वीडियो में। ये धनिया भी साथ ही धो के डाल देती हूँ, धनिया फिर ना गल जाएगा। ये साथ ही फिर गल जाएगा क्योंकि मेरे शोहर को पसंद नहीं है धनिया, तो मैं फिर ऐसे ही डाल देती हूँ, तो फिर जैसे मेथी नहीं डाली होती सालन में ऐसे वो हो जाता है। चलें जी, अब ये पकता रहेगा, इसको लगा देते हैं ढक्कन। ये देखे माशाल्लाह कलर देखे कितना प्यारा आया है। हाँ तो ना मेरे ऊपर ही छींटे आ रहे हैं हांडी से निकल निकल के, मेरे कपड़ों पे पड़ रहे हैं। ये मैंने दम लगा दिया, तकरीबन कोई 15-20 मिनट के बाद ही ना ये तैयार हो जाएगा सालन। हाँ जी क्या लेना है? चल मेरे बेटा दूध मामू, इसको भूख लगी हुई है दूध दो। सालन तो हमारा हो गया तैयार, तो मैंने लगा दिया दम हल्की आग करके ना, मैंने कहा चले अब ये के हल्का हल्का जो है ना ये कोई कमी पेशी होगी तो वो तैयार हो जाएगा सालन। तो वहां पे उसको मैंने दूध भी दे दिया, इतना तंग किया ना, बदतमीजियां किया आज इसने, मेरे से मार खा लेनी थी। तो अब मैंने इसे कहा है कि अंदर जाके लेट जाओ, तो कह रही नहीं मैंने नहीं लेटना, तो लाइट बंद है ना तो अब आ जाएंगे लाइट, तो मैंने इसको सुला देना है। तो चले जी, वीडियो हमारी हो चुकी है मुकम्मल, तो अब मैंने वीडियो को कर देना यहाँ पे एंड। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।